हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल वेलकम बैक टू अनादर हॉल वीडियो आज फिर से हम लोग करने वाले हैं प्लम मेकअप हॉल वीडियो क्योंकि प्लम की जो 99 सेल थी उसमें ना आई वेंट क्रेजी एंड जब मैंने आप लोगों के साथ हॉल वीडियो शेयर किया था उसके बाद एक और बार सेल लगी थी एंड आई अगेन ऑर्डर बंच ऑफ प्रोडक्ट एंड आई रियली वॉन्टेड शेयर दैम विद यूज आई एम लिटरली लविंग प्लम्स मेकअप स्पेशली द लिप्स्टिक्स एंड इवन अस्कारा आई रियोली रियली लाइक तो वो पिछला वाला हॉल वीडियो एंड उसके मेकअप को ट्राई करने का भी वीडियो मैंने शेयर कर चुका है लिंक इट इन द आई बटन एंड द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो अभी मैं आप लोगों से हॉल का पार्ट टू शेयर करने वाली हूँ जहां पे मैंने फिर से इतना सारा मेकअप मंगा लिया है एंड इस बार प्लम की पैकेजिंग थोड़ी सी चेंज हो गई थी तो आई गॉट दीज प्रोडक्ट्स इन दिस काइंड ऑफ पाउचेस इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो व्हाट ऑल आई गॉट दिस टाइम कुछ भी रेपिटेटिव नहीं है सब कुछ नया अलग बिल्कुल एकदम ही अलग प्रोडक्ट्स हैं So, keep on watching this video till the very, very end. But if you're new to my channel, take out a moment, hit that red subscribe button. Now, without any further blabbering, let's just dive right into this. इस बार मेरे पास पाँच छः बेस और आई की प्रोडक्ट्स हैं बाकी सारे लिप प्रोडक्ट्स ही हैं बिकॉज आई एम लिटरली ऑब्सेस्ड विद प्लम्स लिप प्रोडक्ट्स मैंने ट्विस्ट एंड मैट क्रेन वाली लिपस्टिक्स भी मंगवाई थी बट वो आज के हॉल वीडियो में नहीं होंगी बिकॉज वो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ इन uh, अ स्वॉच वीडियो उसमें भी मैंने सारी लिपस्टिक्स दिखा दी थी तो दैट आई एम नॉट गन इंक्लूड इन टूडेज वीडियो तो चलो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं सो आई गॉट दिस

इल्यूमिनेटर दिस इज अ स्ट्रोब क्रीम मैंने प्लम की स्ट्रोब क्रीम नहीं यूज की थी अभी तक आई गॉट दिस वन इन द शेड जीरो टू पीच परफेक्ट एंड इसको मैं एक मेकअप लुक में ऑलरेडी यूज कर चुकी हूँ एंड आई एम ऑब्सेस्ट इसीलिए मैं आपको अभी सोच भी दिखा रही हूँ I'm literally obsessed. Look at this shine. इसको आप मेकअप छोड़ो अगर आप बिना मेकअप के बेयर फेस पे भी लगा लेते हो इट लुक सो प्रिटी एंड आई थिंक ये पीच वाला जो कलर है ना ये हमारे इंडियन स्किन टोन्स जो वार्म के होते हैं ना उनके लिए बहुत अच्छा है फॉर एंड एवरी डे पर्पज तो अगर आप एवरी डे पे भी इसको लगा लेते हो ना तो एकदम जब धूप पड़ेगी ना आप एकदम चमकोगे अंदर से बहुत ही अच्छा मुझे ये प्रोडक्ट लगा देन आई हैव दिस प्लम्स प्रेप सेट गो प्राइमर आई थिंक दिस इज अ सिलिकॉन प्राइमर सो दिस इज व्हाट द प्राइमर लुक्स लाइक मुझे इनका प्राइमर बहुत टाइम से ट्राई करना था इट फील्स गुड सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है फील्स रियली गुड सो आई थिंक इट इज़ अ गुड प्रोडक्ट मतलब एकदम फर्स्ट इंप्रेशन तो मुझे अच्छा लग रहा है देन आई हैव दिस लैश सीरम आई सिर्फ एक यही प्रोडक्ट रेपिटेटिव है क्योंकि ये मुझे इतना पसंद आया था इतना पसंद आया था कि इसका जो ब्रश है ना वो बहुत ही प्रसाइज है मुझे अच्छा लगा था तो मैंने एक बैकअप भी मंगा लिया कि जस्ट इन केस वो खत्म हो जाए तो पहले से बैकअप होना चाहिए देन आई हैव दिस प्लम का नेचर स्टूडियो आई शेडो स्टिक ये काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही हैं आजकल डिफरेंट ब्रांड्स आर मेकिंग आई शेडो स्टिक्स काफी इजी हो जाता है इनसे आपका आई मेकअप करना एंड ये वाली जो है ये मैट नहीं है दिस इज अ शिमरी एंड इन अ प्रिटी ग्रीन कलर मतलब आई थिंक एमरल्ड ग्रीन जैसा कलर है इसका एंड बहुत ही हल्की सी शीन है सो so बहुत अच्छा इससे अगर आप स्मोकी आई करना चाहते हो तो वैसा मेकअप इससे बहुत अच्छे से हो जाएगा अभी तक मैंने इसको आंखों पे यूज करके नहीं देखा है कि ये कितना क्रीज प्रूफ है ऑल्दो ये क्रीज नहीं करता है आपके आईज पे एंड आई रियली लाइक द कलर तो देखते हैं कि ये किस तरीके से आंखों पे परफॉर्म करता है एंड अगर अच्छा लगा तो मे बी आई माइट गेट सम न्यू कलर द नेक्स्ट थिंग आई गॉट इज दिस प्लम आई स्वेयर बाय आई लाइनर पेन अब मैंने क्योंकि वो लास्ट सीरम वाला मंगाया मुझे इतना अच्छा लगा तो मैंने सोचा इनका आईलाइनर का फॉर्मूला तो अच्छा है ही लेट्स ट्राई इन अ पेन फॉर्मेट फॉर्मैट दिस इज व्हाट द काफी पिगमेंटेड है देखो एक ही स्वाइप में दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक अभी मैंने इसको यूज करके तो नहीं देखा है एंड uh, मुझे आई लाइनर पेन काफी पसंद है बट मैं नहीं यूज करती हूँ बिकॉज अभी तक मुझे अपना फेवरेट एकदम जो एकदम बढ़िया सा परफॉर्म करे ना वैसा आई लाइनर पेन मिला नहीं सिर्फ एक रैम्बल कॉस्मेटिक्स का मुझे काफी अच्छा लगा था बट वो खत्म हो गया मैंने अभी तक दूसरा मंगाया नहीं सो ठीक है ये वाला मुझे लग रहा है कि दिस माइट बी माई न्यू फेवरेट देखो इतनी देर में ये ड्राई भी हो गया एंड इट्स सेट्स कंप्लीटली मैट मुझे मैट आई पसंद है आई हेट ग्लॉसी आई ये मैंने 99 की सेल से नहीं मंगाया है दिस वन आई गॉट फॉर द फुल प्राइस टू नाइनटी का है ये दिस इज देयर ई अगर आपने मेरी पिछली वाली हॉल वीडियो देखी होगी तो उसमें मुझे ना इसका सैम्पल आया था मिनी वाला एंड आई गॉट ऑब्सेस्ड विद दिस फ्रेग्रेंस एंड मैंने उस वीडियो में भी आप लोगों को बोला था आई एम गोन गेट अ फुल वर्जन ऑफ दिस और मैंने खरीद लिया मुझे मिस आया था ये मैंने ई डी पे मंगा लिया है ज्यादा ईडी पीस पसंद आते हैं इसीलिए मैंने ये वाला वेरियंट मंगा लिया इसका नाउ दैट ऑल ऑफ दैट इज डन अब मेरे पास सिर्फ लिप प्रोडक्ट्स बचे हैं एंड बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरीज के बचे हुए सो आई एम गोइंग टू शो यू ऑल ऑफ दैम वन बाई वन तो सबसे पहले मैंने ये जो ग्लासी ग्लेस लिप लैकर ये मैंने पिछले हॉल में भी लिया था एक ही शेड लिया था एंड मुझे काफी इसका अच्छा लगा पिगमेंट मतलब ग्लॉस है बट वेरी पिगमेंटेड ग्लॉस सो आई गॉट इट इन अनादर कपल ऑफ शेड सो दिस वन इज इन शेड ट्वेल्व सांग्रिया सनसेट एंड इट इज अ वेरी प्रिटी डीप प्लम बेरी काइंड ऑफ कलर एंड मुझे ये वाला कलर आजकल पसंद आने लगा है तो मैंने सोचा चलो इस कलर का ग्लॉस भी मंगा लेते हैं देन आई हैव इट इन अनदर शेड दिस शेड इज विंटेज रोज इट इज अ वेरी प्रिटी म्यूटेड पिंक कलर मतलब थोड़ा डीप साइड में ही है बट म्यूटेड है बहुत ज्यादा ब्राइट पिंक नहीं है सो so, ऐसे ही पिंक मुझे पसंद भी आते हैं मुझे एकदम ब्राइट पिंक मेरे स्किन टोन पे उतने ज्यादा अच्छे लगते नहीं है देन आई हैव अनदर शेड ये भी पिंक है oh. I wonder, मैं इतने पिंक क्यों मंगा रही हूँ आजकल ओके okay. सो so, इसमें ना मतलब ब्राउन और पिंक का एकदम परफेक्ट ब्लेंड है दिस इज पिंक विस्पर सो ये वाले कलर्स मुझे पसंद आते हैं कि पिंक हो उसमें या तो अंडरटोन में मॉव हो या ब्राउन हो तो मुझे अच्छा लगता है एकदम स्टार्क पिंक मुझे पसंद नहीं आते हैं सो दीज आर थ्री लिप लैक दैट आई गॉट फिर ग्लॉसी वाली ही कैटेगरी में ये इनके एक और रेंज है कीप इट ग्लॉसी सीरम लिप ग्लॉस इसमें हाइलोरिक एसिड है सो आई थिंक इट विल बी वेरी वेरी हाइड्रेटिंग ऑन द द लिप्स इसकी पैकेजिंग काफी अच्छी लुक एट हाउ थिक ट्यूब इज एंड इट फील्स वेरी लग्जूरियस इसका एप्लीकेटर भी काफी ज्यादा थिक है एंड द कलर लुक सो प्रिटी एंड इसकी शाइन मुझे देख के लाइक ट्यूब में देख के कितनी अच्छी लग रही है लेट मी जस्ट अप्लाई इट ओ वाओ I like applied literally the 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 tiniest amount and And look at the shine. love love it, it. fragrance fragrance. Oh, by the way, this one was in the shade 03 glimmer rose. Moving on to the next ही है ये एक मैं इस वीडियो में इसलिए दिखा रही हूँ बिकॉज ये पिछली वीडियो में नहीं दिखाई थी ये मुझे इस ऑर्डर के साथ फ्री भी मिला है

इसका कंपोनेंट मुझे इतना अच्छा लगा था लाइक इट इज सच अ लग्जूरियस फीलिंग लिपस्टिक कि मैंने इसमें दो या yeah, दो शेड्स और मंगा लिए लाइक आई लव हाउ दिस लिपस्टिक लुक्स एंड इसकी मैग्नेटिंग पैकेजिंग सो दिस इज व्हाट दिस शेड लुक्स लाइक वेरी 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 प्रिटी ब्राउन कलर मुझे जैसे कलर्स पसंद है ये वैसा ही है एंड इट इज इन द शेड इलेवन अडिक्टिव आमंड एंड इट इज

परफेक्ट रेड कलर लुक है दैट ओ माई गॉड आई लव इट मुझे चिली रेड्स बहुत पसंद है एंड दिस वन इज वन ऑफ दोज कलर्स दैट आई एब्सोलूटली लाइक लुक ये मेरे स्किन टोन पे ना बहुत अच्छा लगता है मेरे पास ऐसे शेड के ना और भी लिपस्टिक्स हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट बट मुझे इसका फॉर्मुलेशन बहुत अच्छा लगा था एंड जिस लिपस्टिक का फॉर्मुलेशन मुझे बहुत पसंद आ जाता है ना आई नीड टू हैव रेड इन दैट लिपस्टिक तो इसलिए मैंने ये वाला खरीद लिया नेक्स्ट मैंने नई कैटेगरी की लिपस्टिक लिपस्टिक्स मंगाई हैं जो मैंने प्लम की अभी तक ट्राई नहीं की है ये इनकी बुलेट लिपस्टिक है प्लम मैटरिफिक लिपस्टिक बट आई एल शो यू वॉट हैपन मैंने पिछली बार से सीख ले ली थी कि आप अपना ऑर्डर तुरंत खोल के देख लो एंड जो भी डैमेज प्रोडक्ट्स हैं उनको रिटर्न कर दो बट ये लिपस्टिक पूरा अलग होके आया था लाइक ढक्कन के अंदर ये लिपस्टिक पड़ी हुई थी दिस वन इज इन द शेड 137 प्लम इट अप अगेन वेरी डीप प्लम बेरी काइंड ऑफ कलर तो आज कल एम गेटिंग दीज काइंड ऑफ कलर्स क्योंकि न्यूट्रल मेकअप करो तो पॉप ऑफ कलर लिप पे मुझे अच्छा लगने लगा है तो यस आई गॉट दिस कलर बट मैंने जब इसको रिटर्न करने के लिए ट्राई किया नाओ दे हैव अपडेटेड द पॉलिसी एंड जो भी आप सेल पे से प्रोडक्ट खरीद रहे हो उसको आप रिटर्न एंड एक्सचेंज नहीं कर सकते हो हाँ बट ठीक है मैंने उसको वापस कॉम्पोनेंट में डाल लिया ध्यान से यूज करूंगी बट कलर ठीक है मतलब इसका पिगमेंट उतना अच्छा नहीं है इसका एकदम वन स्वाइप पिगमेंट तो बिल्कुल नहीं है तीन चार बार स्वाइप करके भी थोड़ा सा पैची लग रहा है एंड एकदम ओपेक फिनिश तो नहीं मिला है बाकी लिप्स पे लगा के मैंने अभी ट्राई नहीं किया है ये वाला जो दूसरा शेड है परफेक्ट कंडीशन में आया था दिस इज़ वन थर्टी टू जॉलीवुड इट इज़ अ ब्यूटिफुल न्यूड लिपस्टिक लुक एट दिस कलर इसको मैंने लिप्स पर लगा के देखा था पिगमेंट इज़ नॉट दैट बैड और ये उतना पैची नहीं हो रहा है लाइट शेड्स के साथ पैचिंग वाला प्रॉब्लम नहीं उतना ज़्यादा आता है डार्क शेड्स के साथ ही ज़्यादा आता है तो ये वाला कलर मेरे लिप्स पर बहुत अच्छा लग रहा है लाइक दिस वन इज़ द परफेक्ट न्यूड फॉर माई लिप्स मतलब बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि लिपस्टिक लगा रखी बट स्टिल माई लिप्स लुक सो डिफाइन एंड ब्यूटिफुल तो ये कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया लास्ट प्रोडक्ट इसी कैटेगरी से एक और लिपस्टिक है नाउ दैट विल कॉन्ट्रोडिक्ट व्हाट आई हैव बीन सेइंग इन द एंटायर वीडियो दिस वन इज इन द शेड 136 थर्टी सिक्स सिंक इन पिंक एंड लुक एट हाउ पिंक दिस लिपस्टिक इज ओ माय गॉड दिस इज नॉट मी नॉट मी एट ऑल ये लिपस्टिक भी पूरी टूटी हुई ढक्कन के अंदर चिपकी हुई आई थी अभी भी पता नहीं दिख रहा है कि नहीं आधी लिपस्टिक वहीं चिपकी हुई है एंड इट इज कंप्लीटली ब्रोकन टिप से बट दिस इज द शेड uh let me swatch it here so this is the shade it is like very stark the bright fuchsia pink color Oh, I वॉज लाइक की I need to have one a pink color because मैं जितनी विडियोज अपनी देख रही हूँ mentioning I hate pink color, I hate pink lipstick, I hate pink lipstick. So I टू to इट आउट अगैन एंड सी वाई एक्चुअली एंड एनी वेज अगर मुझे नहीं भी पसंद आया तो ऐसे जो फूशिया पिंक कलर्स होते हैं उस पर अगर ब्राउन कलर की लिक्विड लिपस्टिक मैं ऊपर से लगा लूँ तो जो कॉम्बिनेशन बनता है ना वो इंडियन वेयर पर बहुत अच्छा लगता है तो एनी वेज लिपस्टिक वेस्ट तो नहीं जाएगी बिकॉज मैं क्सेंड मैच करके यूज कर ही लेती हूं से यादीज वो ऑल द प्रोडक्ट्स जो मैंने इस बार सेल से मंगाए हैं बहुत ज्यादा पैसा खर्चा हो गया नाइन्टी नाइन नाइनटी नाइन करते करते बहुत पैसा खर्चा हो गया है बट येस आई एम लविंग द न्यू मेकअप बहुत सा बहुत ही कम ऐसी चीजें हैं जो मुझे नहीं पसंद आई है प्लम के मेकअप की रेंज में से एंड मोस्टली मुझे सब कुछ ही पसंद आया है तो मुझे बताना कॉमेंट्स में अगर आपको इन लिपस्टिक्स और ग्लॉसेस के विद एंड विदाउट मेकअप लिप स्वॉचेस देखने हैं तो आई मेक अ वीडियो फॉर यू ऑल एंड या दैट्स इट फॉर टू वीडियो अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब to the channel i shall see you super super soon in my next video till then stay safe stay healthy bye bye